नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज की वीडियो में क्या टूट रही है भीम आर्मी, इसका जवाब आपको शायद मिल सकता है, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना। गाइस सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसे यूट्यूब चैनल का बताने वाला हूँ जो पेरियर साहब के बारे में, आम्बेडकरवादी विचारधारा के बारे में गलत खबरें चला रहा है अपने चैनल के ऊपर। एक चैनल का मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये दूसरा चैनल है दोस्तों, इस चैनल में और बंदा है जो पेरियर साहब को अंग्रेजों का टट्टू कहता है, अंग्रेजों का गुलाम कहता है और कहता है कि जो पेरियर साहब थे वो अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे। तो आप इसका पहले वीडियो देखो। अब ऐसे नेक नरसंहार करने वाले विचार आखिर आते कहां से थे? ये बेसिकली जन्म पाते थे ऐसे विचार आर्यन इन्वेजन थ्योरी से। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहां से आई थी भाई? वो आई थी अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों ने अपने कुछ टट्टू जो थे वो समाज के अंदर छोड़ रखे थे या नहीं इन विचारों का प्रचार करने के लिए, वो तो हम नहीं जानते, हम बेहद भोले हैं। लेकिन हम आपको पेरियार जी का, दोस्तों आपने वीडियो देखा, ये बंदा पेरियर साहब की विचारधारा को नरसंहार करने वाली बता रहा है, अत्याचारी बता रहा है और उनको अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेजों का टट्टू बता रहा है। आपने देखा इसकी लैंग्वेज, भला ये डायरेक्टर नहीं बोल रहा हो लेकिन ये जो हंसी मजाक में बोल रहा है ना, इसके ये रियल शब्द है, ये मतलब उनको कहना चाहता है, लेकिन पूरा इंजाम इसके ऊपर ना आ जाए, पूरा इसके ऊपर लोड के ना आ जाए हर चीज, ये इसलिए इसको किसी और तरीके से प्रैंक करके बता रहा है। तो भाई इसकी विचारधारा देखिए आपने, ये हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की एक साजिश है जो दूसरे यूट्यूबर्स, मनुवादी यूट्यूबर्स धड़ाधड़ वीडियो बनाकर दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस बंदे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस अगली अपडेट निकल कर आ रही है शंभू कुमार जी को लेकर। शंभू कुमार जी जेएनयू के स्टूडेंट की जो रैली हुई थी, जेएनयू प्रोटेस्ट, वहां पर गए थे, वहां पर जाके उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी से बात करी और उससे एक सवाल पूछा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी सड़क पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के जितने भी नेता है भाई लोग, जैसे कि मायावती जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, कोई भी सड़क पर नहीं आ रहा है, कोई भी छात्रों का साथ नहीं दे रहा है, तो इसके बारे में चंद्रशेखर जी ने क्या कहा आप खुद ही देखिए। चंद्रशेखर आजाद रावणा सर को पढ़ाए हैं आप, लगातार जेल और सड़क पर रहते हैं, जो मैं लगातार कहता हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता नहीं आ रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो उनका बेटा, उनका भाई हूँ और मुझे उनकी लड़ाई पे, क्योंकि मैं समय से गुजर गया, मैंने ये सब चीज झेली है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ एट्रोसिटी होती है। तो इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमानों का, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, शिक्षा का, उसमें सरकार को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और उन लोगों को भी निकालेंगे, नेताओं को भी घर से बाहर निकालेंगे, नेता हमसे है, समाज से नेता होते, नेता से कोई समाज नहीं होता। जय भीम। गाइस फुल वीडियो लिंक इन द कमेंट बॉक्स, वहां से जाके पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हो। और आपको चंद्रशेखर आजाद जी की बात कैसी लगी, क्या आप लोग उनकी बात का समर्थन करते हो, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। दोस्तों अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जो भीम आर्मी है वो टूट सकती है या फिर उसके दो धड़े हो सकते हैं, पहले भी भीम आर्मी टू बन चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सुजीत सम्राट जी है और राहुल नागपाल जी है, जो कि एक क्या बोलते प्रवक्ता रह चुके हैं राहुल नागपाल जी और सुजीत सम्राट जी दिल्ली के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं, ये लोगों ने भीम आर्मी परिवार नाम से कोई नया संगठन या कोई नया ऑर्गेनाइजेशन कहे शुरू किया है। लेकिन इनका ये भी कहना है, इनके साथ जो लोग है, कि हम भीम आर्मी के साथ है लेकिन चंद्रशेखर आजाद की गुलामी नहीं करते या उसकी चमचागिरी नहीं करते या फिर किसी एक बंदे के कारण हम लोग संगठन में नहीं हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। फर्स्ट टाइम जब भीम आर्मी का नाम हमने सुना था और जो शबीरपुर वाली जो घटना हुई थी, तो उस टाइम हमें ऐसा लगा था कि ये बहुत ही समाज में, मतलब इस तरीके की ये बहुत ही बड़ी घटना थी। तो जो इसका चंद्रशेखर और भीम आर्मी का जो नाम आया था, तो हमें ये लगा था कि भाई यूथ कहीं सामने निकल के आ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उस टाइम पे सभी को इनका साथ देना चाहिए। तो उस टाइम हमारे दिल्ली में जो है सुजीत सम्राट जी ने सारा संभाला उस टाइम पे उनकी भीम आर्मी की टीम को, और जो भी भीम आर्मी का जो कारवा उन्होंने दिल्ली में आगे बढ़ाया, दिल्ली से जो है पूरे देश पे मैसेज जाता है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। तो इसलिए हम किसी जो है स्पेशल किसी के नाम के पीछे नहीं, सिर्फ भीम आर्मी से जुड़े, भीम आर्मी यानी कि बाबा साहब का कारवा।
पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स। बेसिकली ये लोग कहना चाहते हैं, ये लोग भीम आर्मी के साथ तो काम करना चाहते हैं, बट चंद्रशेखर आजाद जो एक अकेला बंदा है उसे ही फॉलो नहीं करना चाहते, या फिर उसका जो नाम है उसके पीछे ये लोग नहीं भागते हैं, ये केवल भीम आर्मी के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नया भीम आर्मी परिवार बना रहे हैं। इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या भीम आर्मी टूट सकती है या टूट चुकी है? आप क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि भीम आर्मी के बारे में आपका ओपिनियन जानना बेहद जरूरी है पूरे भोजन समाज का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मुझे कुछ काम से कहीं बाहर जाना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।